हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। हाई हील्स महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद होती है। एक रिसर्च के मुताबिक हाई हील्स पहनकर महिलाएं समाज में रुतबा प्रदर्शित करवाती, यानी कि ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जाना जाता है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि जब महिलाएं हाई सोसाइटी में जाती है तो वह वहां हाई हील्स पहनकर जाना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे? जी हाँ, शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हाई हील्स की शुरुआत पुरुषों के लिए की गई थी। हालांकि ये फिलहाल महिलाओं की पहली पसंद है, लेकिन पुरुषों के लिए सबसे पहले हील के जूते बनाए गए थे और वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उनका इस्तेमाल युद्ध और घुड़सवारी के दौरान पुरुष किया करते थे। रिपोर्ट के अनुसार घुड़सवारी के दौरान हाई हील्स के जूते पहनकर पकड़ मजबूत होती थी, इसलिए पुरुष जूतों में लगी हील्स का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसका इस्तेमाल सबसे पहले 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जहां पर ज्यादातर पुरुष जो है वो पर्शिया के साम्राज्य से थे। पर्शिया के साम्राज्य के पुरुषों ने ही हाई हील्स पहनना शुरू किया था। युद्ध के दौरान साम्राज्य के लोग हाई हील्स वाले जूते पहनते थे। सुरक्षा के लिहाज से हाई हील्स के जूते काफी मजबूत होते थे और ये बेहतर भी माने जाते थे। साल 1599 में जब पर्शिया के राजा शाहबाज ने अपने राजदूत को यूरोप भेजा था तो उनके साथ हाई हील्स के जूते यूरोप जा पहुंचे थे और इसके बाद दुनिया भर में हाई हील्स वाले जूतों का चलन बढ़ गया। धीरे धीरे कई देशों में हाई हील्स के जूते का इस्तेमाल होने लगा और इसे वहां पर रईसों और राजाओं का शौक बना दिया गया। आपको बता दें कि फ्रांस के शासक लुईस 14वें 10 इंच ऊंचे हील के जूते पहनते थे क्योंकि उनकी लंबाई सिर्फ 5 फीट 4 इंच थी। इसके बाद सन 1740 का वो समय आया जब सबसे पहली बार महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू किया और यहीं से महिलाओं ने हाई हील्स पर कब्जा कर लिया और अगले 50 सालों में ये पुरुषों के पैरों से उतरकर महिलाओं की फेवरेट बन गई, जो आज तक भी कायम है। समय के साथ साथ अब इसके आकार और डिजाइन में काफी बदलाव आ गया। हालांकि अगर बात हाई हील्स की सेहत के साथ करें तो हाई हील्स सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती क्योंकि इसका सीधा असर कुल्हे, रीढ़ की हड्डी, घुटनों और एड़ी पर पड़ता है। लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। अगर किसी मर्द से हाई हील्स पहनने के लिए कहें तो इसका जवाब होगा कि ये तो औरतों के लिए बनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई हील की शुरुआत पुरुषों से हुई थी और इसकी शुरुआत हील की तरह दिखने वाले जूतों की तरह हुई थी जिन्हें युद्ध और घुड़सवारी के दौरान किया जाता था, लेकिन बाद में ये हाई हील्स महिलाओं की फेवरेट बन गई। एक थ्योरी के अनुसार इसका इस्तेमाल 10वीं शताब्दी में हुआ और पर्शिया साम्राज्य के लोग युद्ध के दौरान हाई हील वाले जूतों का प्रयोग करते थे क्योंकि इसे लिहाज से काफी मजबूत और बेहतर माना जाता था। 1740 तक पुरुषों ने ऊंची हील का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन उस दौर में धीरे धीरे महिलाओं ने इसे पहनना शुरू कर दिया और 50 सालों में पुरुषों के जूतों की हाई हील कम होती चली गई और महिलाओं की चप्पलों में लगी हील लंबी हो गई। हालांकि लोगों के बीच ये माना गया कि हाई हील महिलाओं को उत्तेजक दिखाने का काम करती है और समय के साथ साथ इसके आकार और डिजाइन में कई तरह की चीजें पेश की गई। विज्ञान के अनुसार हाई हील सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे शरीर में संतुलन बनाने में दिक्कत आ सकती है और पंजों में खिंचाव पैदा हो सकता है। वेल, आपको हाई हील्स की स्टोरी कैसी लगी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिएगा और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।